ओ भाइयों, गाजियाबाद 148 किलोमीटर भाइयों हमने कर दिया है उत्तराखंड पार। ये लोगों हम पधार चुके हैं आपके शहर में मेरठ। फाइनली मैं नहा चुका हूं और मैं सारे भाइयों को भाई सुबह की राम राम। मतलब 12 बज गए हैं, मतलब 12 बज के मतलब 46 मिनट हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई सुबह हो चुकी है। तो हमारा प्लान क्या है, 3:30 बजे निकलने का यहाँ से। 3:30 बजे से लगा देंगे 6 बजे तक। कहाँ पे लगा देंगे, रूडी पार कर देंगे जहाँ तक है। भाई ये रखे अपने भोलेनाथ की शिवलिंग और ये जा रही गंगा। भाई बहुत प्यारा व्यू आ रहा है भाई। बस मैं इसकी वो वाइब्स ले रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर और साउंड सुन रहा हूँ, जो पानी की साउंड आ रखी है भाई बहुत ही गजब है। अभी मैं तुम्हें एक भैया से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। भाई अगर किसी को होटल वगैरह या फिर रूम वूम कुछ चाहिए तो अभी बताता हूँ। भैया से मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, वो अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये भाई है। भाई क्या हाल चाल? राम राम जी, जय गंगा मैया। भाई जय गंगा मैया। मैं तो ये बोल रहा था, अगर किसी को भी पूरे हरिद्वार में किसी को भी अपना रूम वूम कुछ चाहिए तो भाई से एक बार कॉन्टेक्ट कर लो। बड़े भाई हैं हमारे। भाई नाम क्या आपका? राहुल नाम है। अगर तुम्हें कैसे भी रूम चाहिए 500 से लेके 300 प्लस, वो 300 कह रहा हूँ, 3000 प्लस सारे मिल जाएंगे। सब रूम अवेलेबल है। तो इनका मैं नंबर या फिर लिंक विंक जो भी है इनका, यूट्यूब का या फिर व्हाट्सएप है, सब मैसेज कर लेंगे, सब अवेलेबल है। और बताओ कुछ। फैमिली होटल मिल जाएगा आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे सारे फैमिली होटल होते हैं, जैसे लेडीज वगैरह साथ में होती है तो उनको देख कर देना पड़ता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भाई सबको सब कोई दिक्कत वाली बात ना। तो अब देखते हैं भाई, एक रूम दिखाता है अरमान भाई के लिए, देखते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर। तो भाइयों, भाई ने हमें एक रूम दिखाया भाई, देख लो, जो कि सिर्फ अरमान भाई के लिए है। अरमान भाई यहाँ रुकने की बोल रहा है। बोल। तो इसका भाई प्राइस में होता हूँ ना, सुनते ही दिल खुश हो गया। 500 रुपीज में देख लो रूम। और भाई को कांटेक्ट करो, भाई से कांटेक्ट कर बनाए रखोगे तो भाई इससे भी सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। हमारे लिंक से जाओगे, हमारे नाम लोगे तो बस भाई दे देगा। और मैं दिखा दूँ यहाँ पे वो है वॉशरूम। दिखाओ भाई वॉशरूम है, और ये मैं हूँ और ये वॉशरूम है ना। वो गीजर वीजर नहीं है ना, सिर्फ गीजर की कमी है लेकिन अच्छा रोड दे देते हैं। चलो ठीक है भाइयों, हमने ले ली है ये बोतल, मतलब एक कैन जिसमें हम गंगा जल लेकर अपने घर जाने वाले हैं। भाई इस भाई कितने लीटर की होगी वैसे? आधे एक लीटर की होगी। भाई चलो हम पहले गंगा जल भर लें, फिर मिलेंगे, है ना भाइयों। फिलहाल टाइम हो रहा है 4:31। तो अब हमारी हो चुकी है निकलने की यहाँ से प्लानिंग, मतलब गाजियाबाद टू हरिद्वार, वो सॉरी हरिद्वार टू गाजियाबाद। तो देखते हैं कितने घंटे और कितने दिन या फिर कितने महीनों में पहुंचते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होएगा मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। ध्रुव भाई जल भर रहे हैं और मैंने भर लिया, बैग में रख लिया, थोड़ा और भारी होगा लेकिन कोई बात नहीं। बोल गंगे मैया की जय। तो चलो चल। ओ भाइयो, गाजियाबाद 148 किलोमीटर। यो तुम्हारा भाई मिल रहा है कितने किलोमीटर कम्प्लीट करके? पूरे के पूरे 50 किलोमीटर कवर करके। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रुड़की मतलब की, और गाजियाबाद यहाँ से 148 किलोमीटर। तो यहाँ से करीब 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 लग जाएंगे हमें 8-9 घंटे, 10 घंटे मान लो भाई, रात भी हो सके, कुछ ना पता टाइम क्या है ना। तो हमारे साथ तुम्हें एक बंदा नहीं दिख रहा है जिसका नाम है अरमान भाई। पता है क्या कह रहा है मुझे भैया थोड़ा सा और घूमना। मैंने कहा चलो घूम लो भाई, हमारे पास तो साइकिल है, हमें तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी साइकिल रखेगा बस के ऊपर और भगा चले आएगा घोड़े की डाल। चलो कोई बात ना, पहले तो भाई हमारा क्या, हमारा तो साइकिल है उसके पास भी है, पर हमें ब्लॉगिंग करनी है भाई, हम साइकिल से साइकिल से जाएंगे भाई। हाँ तुम्हें तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में भाइयों। हमने कर दिया है उत्तराखंड पार, मतलब कि जो उधर का एरिया है वह है उत्तराखंड, और ये है यहाँ से लग जाता है मुजफ्फरनगर। तो तुम देख सकते हो भाई, और यहाँ पे लग चुका है मुजफ्फरनगर, और आगे चलते हैं देखते हैं क्या क्या सीन बनेगा। तो अभी तक तो हमारी हालत बिल्कुल ओके है, और हम पता कितने किलोमीटर चल लिए भाई, करीब 60-65 किलोमीटर चल जाएंगे हम। 60-65 किलोमीटर हैं। चल कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले आप और भी चले मुजफ्फरनगर में। भाई हमें चलते चलते हो चुका है 4:40 से, अब क्या टाइम हो रहा है, अब बज रहे हैं 9। तो चलते चलते हो चुके हैं हमें 5 घंटे। तो भाई अभी तक पता कहाँ है मुजफ्फरनगर, भी यहाँ से भी 18 किलोमीटर है। तो भाई पहले मुजफ्फरनगर अचीव कर लें, फिर मिलते हैं भाई। मैं तुम्हें एक फैक्ट बात बता रहा हूँ यार, अगर कोई भी मुजफ्फरनगर में चल रहा है ना, तो भाई उसे हमेशा यही लगेगा कि भाई मैं इतना चल लिया तब भी पार क्यों नहीं हो रहा मुजफ्फरनगर। भाई मैं कम से कम सही बताऊँ तो तुम्हें 40-50 किलोमीटर चल जाऊँगा मुजफ्फरनगर में, और टोटल होगा मेरा 110 किलोमीटर, और भाई अभी तक मुजफ्फरनगर पार ना हुआ है। पता ना अब एक खतौली और आ रही गई है, हम भी देखें कैसी खतौली को देखें पहले। पुल में फटा है ज़्यादा, तो जो ऊपर चढ़ा हुए। चलो कोई बात ना, घर तो पहुँच ही जाएंगे रात तक।
या कल सुबह तक, जैसा भी है बता देंगे। ब्लॉग में बने रहो, मजे आते रहेंगे। कभी किसी की जिंदगी में ऐसा दुख आया, ऐसा ऐसा खतौली 6 किलोमीटर का जो बाद 95 किलोमीटर जितना भी है। ये लोगों हम पधार चुके हैं आपके शहर में मेरठ। जो जो भाई मेरठ से देख रहा हूँ भाई, वो भाई थोड़ा लिख दो ना कमेंट में कि हाँ भाई हम मेरठ से हैं। और जो जो भाई अब गाजियाबाद में पहुँचे, गाजियाबाद में मुलाकात करवाऊंगा, तो वो भाई बता देना कि भाई गाजियाबाद से हूँ, मैं गाजियाबाद से देख रहा हूँ, ठीक है भाई। और तुम्हें पता ही है मेरी साइकिल में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है यार। और तुम्हें अब पता है अपने साथ एक स्कैम बताऊँगा, मेरे साथ बहुत बड़ा वो हो गया, क्या कहता हूँ, दुर्घटना हो गई मेरे साथ, है ना। तो दिखाऊंगा कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं मुरादनगर पहुँच जाऊँ तो मुरादनगर में स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि यार नहा के तो निकलना है सुबह सुबह, तो इसलिए चलो मिलता हूँ। पहले वो जा रहा भाई टॉपम टॉप और मैं जा रहा टॉपम टॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले पहुँच जा फिर मिलेंगे भाई। चेक करियो एक बार, करो चेक कर दो अपने भाई हैं भाई मेरठ से, भाई सभी को भाई भाई हैं तुम्हारे शहर से निकले हैं, तुमने चाय पानी के लिए पूछे भाई, अच्छी बात हो रही है। मैं तुम्हारे मेरठ शहर से निकला हूँ, अब मैं घुस चुका हूँ मोदी नगर शहर में। तो मोदी नगर के जितने भाई हो भाई कमेंट करो, तो मोदी नगर में देखते हैं कौन कौन पूछता चाय पानी की। तो भाई एंटर हो चुका हूँ मैं, कहाँ पे क्या नाम है इसका, मुरादनगर में। तो मुरादनगर में नहाऊंगा भाई छोटे हरिद्वार में, जो कि यहाँ पे स्थित है कि छोटे हरिद्वार के नाम से सब लोग जानते होंगे भाई, है ना। तो पहले मैं वहाँ पे स्नान करने जाऊँगा, फिर मिलूँगा आपसे। पे निकले थे हम 4:40 पे, और अब क्या टाइम हो रहा है, 4:22। तो अब दोनों भाई पहुँच चुके हैं अपना यहीं मुरादनगर की नहर में, गंगा नहर में, छोटे हरिद्वार जिसको बोला जाता है। और जूते उत्ते उतार के भाई एकदम यूनिफॉर्म बैठे हैं। तो मैं सोच तो मतलब सोच के रहा हूँ जाके नहाऊंगा, डुबकी उबकी लगाऊंगा भाई, बता दो किस इसके नाम की लगानी है भाई। तो भाई तुम्हें तुम्हारे चक्कर में मैंने नींद भी नहीं ली, बताऊँ 2 घंटे नींद ली, 1 बजे से 3 बजे तक, नहीं 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे की नींद ली, और उसके बाद नींद नहीं ली भाई। अब जाके घर पर देखते हैं क्या माहौल है क्या नहीं है, पहले मैं नहा लूँ यहाँ पर। फाइनली मैं नहा चुका हूँ और मैंने तुम सबके नाम की डुबकी लगा लिया है ना। तो भाई ऐसी प्यार बनाए रखो और ऐसी मतलब जो है दिल खुश कर दे रहा हो भाई मेरा टाइम टू टाइम। भाई बाल भी थोड़े ऐसे हो रहेंगे क्योंकि भाई ना शैम्पू हो रहा बहुत दिनों से बाल में, ना कुछ हो रहा। और भाई लो देख लो एक मिनट व्यू देख लो भाई, है ना, एक नंबर है ना, कत्ती कचक। तो अब हम चलते हैं भाई, अपने शूज साफ कर रहा है ये रहा, और बैग उठा के चलते हैं। हमने साइकिल बताऊँ कहाँ लगा दी, ये लगा दी, डेंजर बॉय। तो चलो चलते हैं फिर मिलेंगे। तो तुम्हें मैं सबका सब दिखा रहा हूँ है ना, और घर जाने में इतनी बुरी हालत हो रही है इस टाइम पर भाई, बहुत बुरी, बहुत ही बुरी। 200+ साइकिलिंग कर ली हमने भाई, अब घर भी यहाँ से करीब है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि 100 किलोमीटर भाई। अब घर तो घर ही है, घर तो पहुँच नहीं है कैसे करके, मिलते हैं पहुँच के। तो कितना सुकून मिलता है जब हम अपनी नगरी में आ जाते हैं, है, 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 बिल्कुल जन्नत। और जन्नत तो तब और भी ज़्यादा प्राप्त होगा जब हम अपने घर पहुँच जाते हैं। तो भाई अब पहले घर पहुँच जाते हैं, फिर भाई पहुँच चुका सोसाइटी, और सोसाइटी में देख रहा स्वागत ये भाई है टैली भाई। भाई मैंने इसकी स्नैप देखी घर के नीचे, भागता भागता गया हूँ भाई को लेने, मैं कहा भाई बड़ी यात्रा कर कर आया साइकिल से भाई, लो साइकिल ये भाई लेके जा रहा है। और भाई और बैग देख रहा भाई बहुत ही भारी हो रहा है, कम से भाई बैग में थे कितना भारी है भाई, बहुत भारी है। मैंने मतलब कोशिश करी पकड़ने, मतलब इसने दिया नहीं, कह रहा तेरे से उठाया ना जाएगा, उठाया मैं लेता, लेकिन काफी भारी था। तो भाई चलो पहला घर भी, और तुम्हारा भाई पहुंच चुका सोसाइटी, और सोसाइटी में देख रहा स्वागत ये भाई है टैली भाई। भाई मैंने इसकी स्नैप देखी घर के नीचे, भागता भागता गया हूँ भाई को लेने, मैं कहा भाई बड़ी यात्रा कर कर आया साइकिल से भाई, लो साइकिल ये भाई लेके जा रहा है। और भाई और बैग देख रहा भाई बहुत ही भारी हो रहा है, कम से भाई बैग में थे कितना भारी है भाई, बहुत भारी है। मैंने मतलब कोशिश करी पकड़ने, मतलब इसने दिया नहीं, कह रहा तेरे से उठाया ना जाएगा, उठाया मैं लेता, लेकिन काफी भारी था। तो भाई चलो पहले घर पे चलते हैं, टेलीकॉम में मुझे देख रही है। चलो कोई ना, आंटी को भी नमस्ते करते हैं, मिलवाते हैं। तो मैं घर पे पहुंच गया भाई लोगों, तो मैं जैसे कि पता है भाई मैं लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट में पता है क्या होता है, अधिकतर आवाज मेरी गूंजती है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना। तो मैं पता है घर पे आ गया था करीब 6 बजे, और तो मैं घर जा रहा हूँ, और जब मम्मी नहीं थी अब मिलवाता हूँ भाई। और घर में पहुंच चुका हूँ, क्या जिंदगी है भाई घर की, है ना, बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और तुम्हें एक और चीज दिखाऊं, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई मेरा चोट लग गई, देखो ये लग गई, ये रही भाई ये रही कैडी लग गई भाई, पता कैसा है, ब्रेक तो थे ही नहीं, जाके गिरा टम्पू भट देनी सी। चलो करता हूँ मैं पैंट, जो मैं मम्मी से मिलवाने कह रहा था वो मैं कल मिलवाऊंगा, भाई से ही वापस आएगी। तो आज कलो कर देते हैं मैं पैंट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, रात वाली रहूँगा।